अब तक हमने पढ़ लिया था कि किस किस टाइप के कौन कौन हेल्पर्स हैं जो हमारी लाइफ को इजी बनाते हैं। अब हम बात करेंगे चाइल्ड लेबर की। इसके नाम से ही पता लग रहा है, लेबर मतलब मजदूर, चाइल्ड मतलब बच्चा। जिस बच्चे से मजदूरी करवाई जाती है उस बच्चे को हम कहते हैं चाइल्ड लेबर। कई कई फैक्ट्रीज और रेस्टोरेंट्स और लोग घरों में भी बच्चों से काम करवाते हैं, ठीक है। कुछ लोग रोड साइड में उनसे भीख भी मंगवाते हैं। ऐसे बच्चे कभी स्कूल नहीं जा पाते, कभी पढ़ नहीं पाते, तो ऐसे बच्चों को काम करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि उनकी या तो फैमिली बहुत गरीब है या फिर उनकी कोई फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट नहीं है उनको अच्छी लाइफ देने में, इसलिए उन्हें काम करना पड़ता है। चाइल्ड लेबर कहते किसे हैं? चाइल्ड लेबर वो बच्चे हैं जो 14 ईयर्स तक की एज अभी तक उन्होंने प्राप्त नहीं की है, जो 14 ईयर्स से एज कम है उनकी, और उनको काम करने में भी मुश्किल होती है क्योंकि वो फिज़िकली इतने स्ट्रांग नहीं होते, उन्हें बहुत लंबे टाइम तक काम करवाया जाता है। तो ऐसी वजह से कई हमारे इंडियन लॉ में इसके लिए सज़ा भी दी जाती है। अगर कोई ऐसा इंसान है जो बच्चों से काम करवाता है, उन्हें पनिश करता है, उनसे मारपीट करता है और उन्हें उनकी सैलरी भी टाइम टू टाइम नहीं देता है, ऐसे लोगों के लिए सज़ा भी होती है। फिर बात आती है लाइजर टाइम की। लाइजर टाइम वो टाइम है जब हम कोई काम करते करते थक जाते हैं और अपनी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने के लिए जो टाइम निकालते हैं उसे हम बोलते हैं लाइजर टाइम और फुर्सत का समय। इस टाइम में हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करके, मान लो कोई टीवी देखकर, प्ले देखकर, कोई बुक रीड करके, कोई कुछ खाना बना के, कुछ अलग पिकनिक्स वगैरह प्लान करके, तो हम अपनी लाइफ, बिजी लाइफ में से कुछ टाइम अपने लिए जब निकालते हैं, फुर्सत का समय जिसे कहते हैं, उस टाइम को हम बोलते हैं लाइजर टाइम। नाउ कम टू द एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज अ बार्बर और कॉबलर मेंट्स आर शूज। हमारे शूज़ को कौन मेंट करता है, बार्बर और कॉबलर? द आंसर इज कॉबलर। सेकेंड इज अ डॉक्टर क्योर्स द सिक और हेल्दी पीपल। डॉक्टर किसकी सुरक्षा करता है, बीमार इंसान की या स्वस्थ इंसान की? द आंसर इज सिक पीपल। थर्ड वन इज अ स्टेशनर सेल्स मेडिसिन और पेंस एंड कॉपीज। स्टेशनर किसको, क्या चीज़ें बेचता है, दवाइयाँ या पेन और कॉपीज? द आंसर इज पेन्स एंड कॉपीज। और पोस्टमैन और लॉयर डिलीवर्स लेटर। लेटर कौन डिलीवर करता है, पोस्टमैन। अ प्लम्बर रिपेयर्स इलेक्ट्रिक फिटिंग्स और टैप्स। प्लम्बर क्या चीज़ें फिट करता है, टैप्स को। अ टेलर और कॉबलर स्टिचेस आर ड्रेसेस। हमारे ड्रेसेस कौन स्टिच करता है, टेलर। Now come to the fill in the blanks. First is a dash teaches us in the school. हमें स्कूल में कौन पढ़ाता है, टीचर। A green grocer sells dash and dash. Green grocer क्या बेचता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। Third one is a dash sells medicines. Medicines कौन बेचता है, केमिस्ट। Fourth one is the milkman brings dash for us. मिल्कमैन हमारे लिए क्या लेकर आते हैं, मिल्क। वी नीड डैश टू रिलैक्स आवर बॉडी। हमारी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, रेस्ट करने की। सिक्स्थ है वर्क डन टू आर मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन। जो भी काम मनी अर्न करने के लिए किया जाता है उसे हम बोलते हैं ऑक्यूपेशन। अब मैच देखते हैं। Writes play and stories. कौन लिखता है, राइटर। Entertain us in circus. सर्कस में हमें कौन एंटरटेन करता है, क्लॉन। Sells cakes and pastries. केक्स और पेस्ट्रीज कौन बेचता है, कन्फेक्शनर। Helps children in studies. Mother. Punishable offense is child labor. It is all about the chapter. Kindly subscribe this channel, Guru Ram Das Convent School, for further videos. Thank you so much.